वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आप सबने लर्न कर ली होगी, है ना? मुझे पता अभी तक नहीं लर्न करी। आप सब लोग एग्जाम से पहले सोचोगे कि लर्न कर ले, लेकिन नहीं बेटा, लर्न कर लो, याद कर लो, जो जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं याद करके फिनिश करो, ताकि आप जब नए टॉपिक्स करोगे तो उनको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एक कंपाउंड होता है हमारे पास, जिसमें क्या है, पॉजिटिव आयन ए है हमारा मेटल, ठीक है, जो फॉर्म करेगा पॉजिटिव आयन, और बी है हमारा नॉन मेटल, जो क्या फॉर्म करेगा बच्चों, नेगेटिव आयन। तो अब आप बता दो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से कौन से कंपाउंड बनते हैं? जल्दी बताओ, सोचो माइंड में। आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कौन से कंपाउंड्स बच्चों? आयनिक कंपाउंड्स। कटायन अनायन जब कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो ये है हमारा एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो गिव रीजंस में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको ऑप्शंस भी ऑप्शन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे? तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप साथ के साथ डेली थोड़ा बहुत देख लो, रिवाइज कर लो, ताकि जब एग्जाम होगा तो उससे पहले आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, चलिए, एक हमारा आयनिक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है केमिकली दूसरे आयनिक कंपाउंड के साथ, और क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड है तो यहां पर भी हमारे पास पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और जो सेकेंड वाला है ये भी आयनिक कंपाउंड है। अब इन दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, यानी जो आयंस हैं वो अदल बदल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो चेंज कर लेंगे। जैसे हम हमारे फ्रेंड का कोई पेन या कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं ना, कि 2 दिन आप इसका इस्तेमाल करो, आपकी ये चीज का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं एक दूसरे की चीजें आपस में शेयर करेंगे, और इस तरीके से जो रिएक्शन बनेगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं कैसे बनेगा। ये जो पॉजिटिव आयन है इस कंपाउंड का, ये कंबाइन होगा सेकेंड वाले कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव आयन विल कंबाइन विद द नेगेटिव आयन ऑफ द सेकेंड कंपाउंड। बच गए कौन दोनों, यहां सी और यहां बी। और आयनिक कंपाउंड लिखते टाइम हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो B माइनस है नेगेटिव पार्ट इसको लिख दे और उसके बाद C प्लस वाले को लिख दे, नहीं। आयनिक कंपाउंड को लिखते टाइम हमेशा हमें एक चीज याद रखनी है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पहले आएगा और उसके बाद जो है नेगेटिव आयन वाला पार्ट आता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स पॉजिटिव पार्ट पहले आएगा, उसके बाद जो है नेगेटिव आयन वाला पार्ट आएगा। तो यहां कौन है हमारा पॉजिटिव, सी है, तो C प्लस जो है यहां आएगा, और नेगेटिव कौन है, B माइनस। ये इस तरीके से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में ये चीजें जब रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, A प्लस और D माइनस। इसको और अच्छे से देखते हैं ग्राफिक्स की हेल्प से। चलिए, तो जब ये कंपाउंड इसके साथ केमिकली रिएक्ट करेगा तो उसके बाद देखो यहां पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर ये कंपाउंड बनाएगा, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया है। देखो यहां ए जो है वो सी को डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर आकर बैठ गया है, तो इनके बीच में एक नया कंपाउंड बन गया। बच गए कौन, सी प्लस और बी माइनस। तो चलिए ये भी आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और आपस में कंबाइन होके रिएक्शन कर लेंगे पॉसिबल। क्लियर, तो यहां सी प्लस और बी माइनस मिलकर सेकेंड प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म कर लेंगे। तो अगेन यहां पर भी क्या हो गया, जब B माइनस और C प्लस ने बना लिया है नया कंपाउंड, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट एक ही रिएक्शन में दो बार होता है उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी इजी है ना, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि दो बार होगा, एक रिएक्शन में जो चेंज है पोजिशन आयंस की वो दो बार होगी, और हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए
डेफिनेशन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की? द रिएक्शंस वेयर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज ऑफ आयंस क्लियर हो गया? ये जब आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे, पहले का बी ए प्लस जो है सेकंड के माइनस के साथ कंबाइन होगा और सेकंड का प्लस फर्स्ट के माइनस के साथ कंबाइन होगा, तो यहां पे ये हो गया एक्सचेंज ऑफ आयंस. और जब ये एक्सचेंज ऑफ आयंस से जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट साइड कोई तो भी एक चीज या दोनों चीज जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिलेगी. अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. केमिकल रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है और उनके रिएक्शन से हमें ऐसा कंपाउंड मिल जाए या ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जो ना तो सॉलिड और ना ही तो कंप्लीटली लिक्विड बल्कि सेमी सॉलिड इन नेचर होता है, यानी स्टेट के बारे में अगर बात करें, अगर हमें ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जो सेमी सॉलिड होता है और वो या तो उस कंटेनर में, उस टेस्ट ट्यूब में जहां पे रिएक्शन ऑकर हुआ है उसके बॉटम में, या तो वो फ्लोट करे, है ना, ऐसे सेमी सॉलिड इनसॉल्यूबल, क्योंकि वो उस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा, तो डिजोल्व नहीं होगा तो इनसॉल्यूबल है, तो उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो ये जो प्रोडक्ट साइड कोई तो भी एक या दोनों हो सकता है कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, यानी ऐसा सब्सटेंस जो उस लिक्विड मीडियम में सॉल्यूबल ना हो. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसलिए यहां मेंशन किया गया है व्हाइल राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, द रिएक्शन वेयर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उन रिएक्शन को हम बतौर एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके. सो नेक्स्ट है, देखिए यहां पे ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म. इनसॉल्यूबल जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म नोन एज प्रेसिपिटेट. यहां देख पा रहे हो आप टेस्ट ट्यूब में कुछ ये आपको येलोइश ग्रीनिश येलोइश इन कलर कोई तो भी आपको सब्सटेंस दिख रहा है जो प्रोसीड हो रहा है टूवर्ड्स द बॉटम, है ना, बॉटम की साइड ये मूव कर रहा है, तो इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि ये प्रेसिपिटेट है. और ये जो रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है ये एग्जाम्पल होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ठीक है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज any reaction that produces a precipitate can be known as precipitation reaction. यानी कोई भी ऐसा reaction जिसमें insoluble substance यानी precipitate form होता है, तो students उस reaction को हम precipitation reaction भी बोल सकते हैं. Clear है students? Next है, अब हम करते हैं कुछ examples double displacement reaction के. चलिए activities की help से समझते हैं कि double displacement reaction कैसे होता है. सो रिएक्शन बिटवीन बैरियम क्लोराइड, यहां जो रिएक्शन हम देखेंगे वो बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में हम देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं चलो. तो दो टेस्ट ट्यूब ले ली हमने और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारा जो है वो बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है. तो अब क्या होगा बच्चों, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यहां है हमारे पास सोडियम सल्फेट और हमने सोडियम सल्फेट को यानी Na2SO4 को किस ट्यूब टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट कर दिया या डाल दिया है, जिसमें है बेरियम क्लोराइड, ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसमें सब्सटेंस था बेरियम क्लोराइड. तो देखो अभी अभी देखो कैसा है ये, है ना, कलरलेस वाटर जैसा दिख रहा है, और जैसे ही हम इसमें डाल देंगे केमिकल, तब इसमें देखो चेंज क्या होकर हो रहा है कि एक मिल्की कलर का या व्हाइटिश कलर का हमें सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है. और ये जो सब्सटेंस है ये इस लिक्विड में इनसॉल्यूबल है, तो हम बोलेंगे ये एक प्रेसिपिटेट है. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. इसकी देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स. तो सोडियम सल्फेट व्हेन
रिएक्ट्स विद द बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो यहां देखो बच्चों क्या होगा, सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन है ना, सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन है, सल्फेट कैसा आयन है, नेगेटिव आयन है, और यहां बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन कौन है बच्चों, बेरियम। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो फॉर श्योर देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस व्हाइल केमिकल रिएक्शन। हम क्या करेंगे, इक्वेशन इतने टाइम एक्सचेंज कर देंगे इनको। तो यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट है बच्चों वो यहाँ के नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमनली नमक या सॉल्ट के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। सो व्हेन सोडियम सल्फेट कंबाइंस विद बेरियम क्लोराइड तो बनेगा NaCl प्लस, यहां से बनेगा क्या, बेरियम पहले आएगा पॉजिटिव पार्ट, सोडियम सल्फेट का जो सल्फेट नेगेटिव पार्ट है ये, इसके बाद तो बनेगा बेरियम सल्फेट। सो बेरियम सल्फेट जो हमें व्हाइट पीपीटी यहां दिख रहा है बच्चों, ये रहा व्हाइट पीपीटी, तो दिस व्हाइट पीपीटी इज योर बेरियम सल्फेट, इसके साथ हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी जिसको हम कॉमनली सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट इज बेरियम सल्फाइड। अब जो बेरियम सल्फाइड है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। तो आप अभी लिख पाओगे, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव के साथ तो बनेगा बेरियम सल्फेट, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेस होके यहाँ इस एस यानी सल्फर जो है इसके साथ कंबाइन होगा तो बनेगा जिंक सल्फाइड। तो आप रिएक्शन कंप्लीट कर दोगे। अगर एग्जाम में यहाँ एक्स प्लस वाई और बोला कि आइडेंटिफाई करो एक्स और वाई क्या है ना, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप मुझे। ये मैंने आपको दे दिया कि दिस इज योर एक्स प्लस दिस इज योर वाई, नाउ प्लीज डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। कोशिश करो, अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो बच्चों एक्स क्या है वाई क्या है आइडेंटिफाई करके बताओ। चलिए आई होप आपने सोच तो लिया ही होगा, किया नहीं तो सोच तो लिया ही होगा कम से कम। अब हम लिखते हैं कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स क्या है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये प्लस विल कंबाइन विद दिस नेगेटिव पार्ट, और वाई क्या होगा बच्चों, जिंक सल्फाइड, यानी दिस पॉजिटिव पार्ट विल देन कंबाइन विद दिस नेगेटिव पार्ट, तो बन जाएगा जिंक सल्फाइड, ठीक है। यहाँ ये एरो क्या इंडिकेट करती है बच्चों, ये एरो यहाँ इंडिकेट करती है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट ये पीपीटी है, यानी व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये जो डाउनवर्ड एरो रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जब आपको डाउनवर्ड एरो दिखती है तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी कोई तो भी गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई है या गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप 11th में 12th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आप अभी से सेट कर लो कि किसका क्या मतलब होता है, और ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज कॉपर क्लोराइड विल रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पोटेशियम प्लस और आयोडाइड यानी आयोडीन माइनस। तो अगेन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से वापस से आइडेंटिफाई करो एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। सो कॉपर आयोडाइड या क्यूपरिक आयोडाइड जो कि हमें मिलेगा किस कलर का पीपीटी, ब्राउन कलर का पीपीटी, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा इनसॉल्यूबल, और इसके अलावा क्या फॉर्म होगा बेटा, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड भी जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहां पर भी क्योंकि आयंस एक्सचेंज हुए हैं तो ये वाला रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एज वेल एज क्योंकि इसमें पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट भी प्रोड्यूस हुआ है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट है, ये बैलेंस कर रहे हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो
प्रेसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो हाइलाइटेड एरोज दिख रही हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये प्रेसिपिटेट है, यानी उस सॉल्यूशन में ये डिजोल्व नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, आप इनको अलग से निकाल सकते हो बहुत इजीली, बहुत आसानी से। ठीक है, सो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑकर होते हैं, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसके बारे में। ठीक है, तब तक जो पीछे के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत।